हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासेस। टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। चैप्टर शुरू किया, सबको पता है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की दो या तीन क्लासेस होती है। अब आज का जो टॉपिक है वो आपका क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। इसमें क्या हो जाएगा, अल्कोहल एंड फिनॉल बनाने की विधि। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं। अब आपको जो अल्कोहल बनाना, अभी हम सिर्फ खाली किस मेथड पढ़ेंगे अल्कोहल बनाने, बाद में फिनॉल की पढ़ेंगे, फिर वो फिजिकल और जो कि आपको है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करना है या अल्कोहल बनाने की विधि करना है। अच्छा, हमें बनाना है तो देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट और एक होता है कैटेलिस्ट। तीन चीज़ें होती है एक्चुअली। रिएक्टेंट मतलब हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, क्या कारक, इसमें क्या हो जाएगा रिएक्टेंट। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, हिंदी में उत्पाद, इंग्लिश में क्या होता है प्रोडक्ट। और सी मतलब कैटलिस्ट इंग्लिश, एंड इन हिंदी इट विल बी उत्प्रेरक। अब ना पहले इन तीन चीजों का मीनिंग समझो, फिर हम आगे फर्दर रिएक्शंस करते हैं। तो क्रियाकारक क्या होता है, ऐसे इनिशियल आपके कंपाउंड्स या एलिमेंट्स होंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वो रिएक्शन करके जो न्यू आपके कंपाउंड्स बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, उत्पाद कहते हैं। अब उसके बाद में कैटलिस्ट जो होते हैं वो क्या होता है, जो जिनकी प्रेजेंस में रिएक्शन, अभी चाहे तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर भी, नहीं चाहे तो पार्टिसिपेट करे। तो बेसिकली ये रेट ऑफ रिएक्शन को कम या ज़्यादा करने का काम करते हैं, कौन, उत्प्रेरक या कैटलिस्ट। अच्छा, हमने क्या बोला है, हमें क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। एक बात तो अपनी ये पहले से ही क्या हो गई, डिफाइन हो गई कि हमारा जो अल्कोहल बनेगा वो कहाँ बनेगा, बाद में बनेगा। आपको इसमें रटना है क्या, नहीं रटना है, कि हमें डायरेक्टली पहले से ही पता है कि उत्पाद में हमारा क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, राइट। तो अपना जो प्रोडक्ट है वो तो पहले से ही फिक्स है क्या। अब जो रिएक्टेंट है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि किसके द्वारा बनानी है, किसको हमें रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाना है, राइट। अब आपको जो लर्न करना है वो खाली क्या लर्न करना है, कैटलिस्ट, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज फ्रॉम अल्कीन, इसने पहले ही बोल दिया कि हमें जो अल्कोहल बनाना है वो किससे बनाना है, एल्कीन से बनाना है। अब एल्कीन में भी इसने पहले क्या बोल दिया, बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, हिंदी में क्या बोला है, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा, ठीक है। तो जल योजन करना है, जल योजन मतलब एडिशन किसका करना है, H2O का करना है, एल्कीन हमें लेना है। सारी चीजें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, हमें तो बस उसको फॉलो करते रहना। तो बस फॉलो कर लो, क्या हो जाएगा, देखो ये हमने क्या ले ली, एल्कीन ले ली। एल्कीन मतलब क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी, और ये दो तो सपोज करो यहाँ पे एच और एच आ जाएगा, बेसिकली मैं क्या ले रही हूँ, एथीन ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ, इसमें क्या हो जाएगा, इथीन मैं ले रही हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, और जब भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो कितने सिग्मा बनते हैं, दो सिग्मा बनते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है। इसमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, अच्छा, वाटर में आपको पता है क्या होता है, एच प्लस और ओ एच माइनस, दो आयन्स होते हैं ना, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये दो इन आयन्स में डिसोसिएट होगा, टूटेगा, ब्रेक होगा। जैसे आपने वो पाई बॉन्ड वहां से ब्रेक किया तो यहाँ पे दो सिग्मा बन गए, एक तरफ हाइड्रोजन आ गया और दूसरी तरफ कौन आ गया, OH आ गया, और बाकी ये जो एच थे वो तो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। फिर इसी को आप जब कंबाइन करके अच्छे से लिखोगे, क्या लिख लोगे, CH3 1 2 3 बॉन्ड, फिर CH2, और इस पे कौन जुड़ा, OH, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। अब नेमिंग कैसे करनी है, लास्ट टॉपिक में हम देख चुके, तो इसको पूरा यहाँ पे एलैबोरेट नहीं करूँ, इथेनॉल हो जाएगा। ऐसे ही प्रोपीन के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, सेम आपको कहीं भी चेंज नहीं करना, जहाँ पाई बॉन्ड है बस उसको ब्रेक करके दो सिग्मा लगाओ, एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल को ऐड कर दो। तो जैसे ही करोगे तो इसमें एक तरफ देखो, अब ना एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ना एक कंडीशन बनती है आपके, ये जो CH3 है ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, फिर CH भी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखो कि टू सिग्मा बनता है, अब ये जो यहाँ से इसको ब्रेक करोगे आयन क्या बनेंगे, H प्लस और OH माइनस। तो अब यहाँ पे ना दो कंडीशन बनती है, कोई कहता है मैं H को यहाँ लगाऊंगा, कहता है OH को यहाँ लगाऊंगा। तो एक यहाँ पे ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मार्कोनिकॉफ रूल होता है, अभी ये रूल क्या होता है हम ज़्यादा इसका डिस्कशन नहीं करते, सिर्फ इतना ध्यान रखना, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो कार्बन के पास में हाइड्रोजन कम होंगे वहां पे जाकर के नेगेटिव वाला पार्ट ऐड होगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे तो OH ऐड होगा और यहाँ पे कौन ऐड होगा, H। और जब इसको अच्छे से कंबाइन करके लिखोगे CH3
सीएच पे अपना कौन ओएच और ये वाला सीएच, का नेम क्या हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, टू प्रोपेनॉल, एक ही बात है राइट, क्या हो जाएगा टू प्रोपेनॉल, क्लियर है। आई जस्ट होप दैट यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। मार्कोनिकोफ वाला ध्यान रखना, मार्कोनिकोफ रूल होता है, मार्कोनिकोफ नियम होता है, वो क्या कहता है जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो कार्बन उस कार्बन पे प्रेजेंट होगा जाकर के जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो कम हो, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था और यहाँ पे अपने पास कितने हाइड्रोजन थे दो, तो एक वाले पे यहाँ पे जाकर के हमने किसको छोड़ दिया OH को, अब नेक्स्ट हम रिएक्शन करें। उससे पहले जो हम डेली करते हैं कलाम बैच करके जो स्टार्ट किया है तो आपको पता ही है क्या करना है, इंफॉर्मेशन आपको पता है, प्ले स्टोर से प्रतिज्ञा क्लासेस ऐप डाउनलोड करना, देन यू विल सी दिस बैच एंड दिस बैच इंक्लूड्स दीज ऑल थिंग्स इन लाइक ऑफलाइन क्लासेस, डाउट क्लासेस, डीप रिकॉर्डेड क्लासेस, एवरीथिंग डाउनलोड करके और आप ये देख लेना, और इसकी प्राइस भी ज्यादा नहीं है, जस्ट ओनली 99। नेक्स्ट हम रिएक्शन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगाना, बाय हाइड्रोबोरेशन, इंग्लिश में तो अपना क्या हो जाएगा बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और इंग्लिश हिंदी में वही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण। अच्छा ये रिएक्शन करते हैं, इससे पहले ना इसका एक मीनिंग समझ लो कि ये होता क्या, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीडेशन का यह मतलब होता है या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना, सेम ऑक्सीकरण आपके हिंदी में क्या हो जाएगा, या तो ऑक्सीकरण जुड़ेगा या हाइड्रोजन बाहर निकलेगा या फिर दोनों प्रोसेस होगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण बोल, बात समझ में आई क्या, तो बात क्या बोल रही हूँ, क्या करना ऑक्सीडेशन करना है, लेकिन पहले आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो आपका ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन बाहर निकलेगा या दोनों प्रोसेस होगी, ठीक है। अब इसमें ना एक आप ध्यान रखना, डायरेक्टली हमें बोला हाइड्रोबोरेशन द्वारा, हम बोरेन का क्या करेंगे एक डेरिवेटिव ले लेंगे P2N, बोला जाता है डाई बोरेन, क्या बोला जाता है डाई, इसमें भी सेम यही हो जाएगा डाई क्या हो जाएगा। अब इसको ना एडिशन करवा दो आप, तो ये जो B2H6 क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ BH3 होल ट्वाइस लिख सकती हूँ ना, फिर इस BH3 को मैंने क्या लिख दिया H2 लिख सकते हो, इसका नेम क्या है डाइबोरेन, ये कुछ अलग चीज नहीं है। अब हमें वही एल्कीन के साथ रिएक्शन करानी है, तो मैंने क्या ले लिया प्रोपीन, प्रोपीन के साथ अब ना वही वन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, कितने सिग्मा बनेंगे यहाँ से और यहाँ से, ये रहा पाई बॉन्ड, ये दो, तो दो बॉन्ड कहाँ बन जाएंगे, एक यहाँ बन गया एक यहाँ बन गया, सेम इसमें भी आपका क्या होता है एच तो होगा आपका माइनस, BH2 इसमें क्या होगा कोई, अभी जो पीछे मैंने मार्कोनिकोफ आपको बताया था क्या बोला था, नेगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड होगा उस कार्बन पे जहाँ पे आपके हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, नंबर ऑफ कार्बन विल बी लेस, तो यहाँ पे आपके कम दिख रहा है तो यहाँ मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, अब इसको हमने ऑक्सीडेशन क्यों बोला, मैंने आपको अभी ऑक्सीडेशन को क्या किया यहाँ पे ना एक काम करना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की जगह पे यहाँ पे रिडक्शन करना बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है हाँ सही है ना, तो इसको देखो प्रोपीन पे हमने किसका एडिशन कर दिया डाइबोरेन का एडिशन, ठीक है, तो अब यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा और ये वाला कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। अब सेम हमें ये वाला काम कब तक करते जाना है, जब तक इस बोरेन के पास में जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है ये सारे यहाँ क्या नहीं हो जाते बाहर नहीं निकल जाते है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन मतलब क्या बताया मैंने अभी आपको हाइड्रोजन का निकलना, तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन जब तक निकल नहीं जाते जब तक पूरा ऑक्सीकरण नहीं हो जाता
तब तक हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते रहनी है, इस प्रोपीन के साथ। अब एक बार और यहाँ पे प्रोपीन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, अब इसको जब इंक्लूड करके लिखोगे तो CH3 एज इट इज इंक्लूड हो जाएगा, मतलब CH2। अब ये जो BH2 था ना, यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकाल दो और उसकी जगह पे आपका कौन ऐड हो जाएगा, ये वाला प्रोपीन का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस, और BH अभी भी एक हाइड्रोजन है, तो एक बार और हमें किसके साथ रिएक्शन करवानी है, इसकी प्रोपीन के साथ रिएक्शन। ठीक है, प्रोपीन के साथ नेक्स्ट टाइम और करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ होल ट्वाइस की जगह होल थ्राइज आ जाएगा। ये बाकी पूरी चीज सेम है, यहाँ पे कौन आ गया, होल थ्राइज आ जाएगा 3, और ये अपना B। अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, हमें क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। अभी अल्कोहल नहीं बना है, अब नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन H2O2, H2O2 को हम कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसमें क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। रिएक्शन करवा दो, सेम OH माइनस का मतलब क्या होता है, किसी बेस की शार की प्रेजेंस में हम क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, कराएंगे किसके साथ, जल के साथ। आपको इसकी रिएक्शन करवाने किसके साथ है, वाटर के साथ करवानी है, जल के साथ करवानी, करवा दो। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो जल, आपको पता है वाटर में क्या होता है, H प्लस एंड OH माइनस, ये आयंस प्रेजेंट होता है। तो ये जो OH माइनस है ये जाकर क्या ऐड हो जाएगा, कहाँ पे, यहाँ। और ये जो OH3 करके ये बोरिक एसिड के फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसका जो नेम होता है वो क्या होता है, प्रोपेन वन ऑल, हिंदी में अपना क्या हो जाएगा, प्रोपेन वन ऑल बोलो, वन प्रोपेनॉल बोलो, ये सारे की सारे क्या है, सेम। ये जो था वो क्या था, आपका हाइड्रोबोरेशन। अब ऐसे ही नेक्स्ट कर लो, और नेक्स्ट अब आपको किस बनाना है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, या इसमें क्या हो जाएगा, कार्बोनिल यौगिक, इससे आपको किसका फॉर्मेशन करना है, अल्कोहल का करना है। इसमें भी फर्स्ट ले लो ये, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन द्वारा। अब पीछे मैंने आपको ऑक्सीडेशन एलैबोरेट किया था, वैसे ही रिडक्शन उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना, क्या कहलाता है, रिडक्शन या अपचयन। अपचयन या ये क्या हो जाएगा, या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या फिर ऑक्सीजन आपका क्या होगा, बाहर निकलेगा, या फिर ये दोनों ही प्रोसेस होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अपचयन या रिडक्शन। तो वही, अब किससे बनाना है, एल्डिहाइड और कीटोन से। इतना ध्यान से और अच्छे से इसको समझना, देखो ये एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO, इसको ऐसे लिख सकते हो ना। अब आपको इसका क्या कराना है, अपचयन कराना है, और अपचयन मैंने आपको अभी बताया, या तो क्या करो, हाइड्रोजन को जोड़ो या फिर ऑक्सीजन को बाहर निकालो, हाइड्रोजन को जोड़ करके ये करवाते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर रही हूँ, वाला जो अपना रूल है ना वो ध्यान में रख, जब भी आपका एक पाई बॉन्ड एक होगा तो हमेशा कितने सिग्मा बनेंगे, यहाँ पे भी देखो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है या नहीं है, राइट। इसमें भी देखो, बाकी सब चीजों को मैं एज इट इज रख रही हूँ, भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं करो। बस अब आप क्या करो, एक ये पाई तोड़ो और दो सिग्मा बना दो, एक सिग्मा मैंने यहाँ बना दिया और एक जो सिग्मा है वो मैंने कहाँ बना दिया, यहाँ। डाउट है क्या, वापस से देखो, सारी चीजें एज इट इज लिख दू, पहले मैं लिख दिया मैंने, अब मुझे वो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दो सिग्मा बनाने, मैं क्या करूंगी, एक सिग्मा तो यहाँ बना दूंगी, दूसरा वाला कहाँ बना दूंगी। अब आपको बस हाइड्रोजन ऐड करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन, अब इसको आप कंबाइन करके अच्छे से लिखोगे, क्या लिख दोगे, RCHOH, मतलब कितना डिग्री अल्कोहल बन गया आपका, 1 डिग्री अल्कोहल, करेक्ट है, प्राइमरी अल्कोहल। अब ऐसे ही ये, अब आप क्या करते हो, यहाँ पे ये तो हमने क्या लिया था, एल्डिहाइड से बना, ये अगर आप कीटोन से बनाओगे, बना दो कीटोन से, क्या हो जाएगा, बनाओ तो
कीटोन क्या होता है, आर डबल बॉन्ड ओ और आर होता है। ले लो बनाओ जल्दी से, क्या बनेगा? कोई एडिशन करना है हाइड्रोजन का, ठीक, कोई सिग्मा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो सिग्मा बनेंगे, बना दो आर सी आर और ये ओ एज इट इज, एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे, एक एच यहाँ आ जाएगा और दूसरा वाला एच यहाँ पे, और फिर आप इसको जब कंबाइन करके लिख, क्या लिख सकते हैं, आर एच आर और ओ एच। अब ओ एच से जुड़ा हुआ कार्बन आगे दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कितना डिग्री अल्कोहल बन जाएगा आपका, 2 डिग्री अल्कोहल, या फिर हिंदी में इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी या द्वितीयक अल्कोहल, बना दो। है अब अपनी रिएक्शन पे आ जाते हैं वापस, देखो इसमें देखो ये रहा, ये क्या, तो कितना डिग्री बचा, 1 डिग्री, पहले में ये रहा कितना डिग्री बचा, 2 डिग्री अल्कोहल, समझ में आ गया होगा पूरा, मैंने इलैबोरेट कर दिया। ये तो क्या है, कीटोन, ये जो है ये क्या है, एल्डिहाइड। अब थर्ड इसमें जो रिएक्शन आती है दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के अपचयन द्वारा, सेम वही रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और यू कैन से रिमूवल ऑफ, या फिर सेम हिंदी में अपना क्या हो जाएगा, अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, या तो हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का बाहर निकलना, इसको क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अब जैसे आपने एल्डिहाइड और कीटोन में किया था, सेम वही इसमें भी करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के साथ कैसे करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, लगा लो इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो, सेम वही एक पाई बॉन्ड, ये जो ब्रेक होगा कितने सिग्मा बनेंगे, 2, बना लो आर ओ एच, बाकी सारा एज इट इज, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा, तो एक एच यहाँ बनेगा और एक यहाँ जुड़ेगा यहाँ, और जब आप इसको कंबाइन करके लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, साथ ही में H2 का एडिशन करवाना है, करवा दो। जब इसकी रिएक्शन आप इसको कंबाइन करके लिखोगे ना तो आप क्या लिख सकते हो, RCH OH, और यहाँ पे भी क्या लिख दोगे, OH। अब ना एक रूल होता है कि किसी पे भी ना एक जो होगा वो एक ही कार्बन पर जो दो आपके ये होते हैं OH समूह, एक होते हैं ना, ये अस्थाई होता है, अनस्टेबल होता है, क्या होता है, अस्थाई या अनस्टेबल, तो इसीलिए ये यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर, H यहाँ से और OH यहाँ से, रिमूवल कर दो वाटर का, क्या बन जाएगा, आर सी एच, फिर एक ही OH जो है वो बन, मतलब कितना डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल, या हिंदी में इसको क्या बोल देंगे, प्राथमिक। ये बात ध्यान रखना कि एक ही कार्बन पर जब आपके दो ये ग्रुप्स होते हैं हाइड्रोक्सिल, तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, कि वहां से हमें वाटर जल्दी से क्या करना पड़ता है, बाहर निकाल करके हाई कंपाउंड बनाना पड़ता है। आपके जो होगा इसमें कितना डिग्री अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री। सेम यही काम आपको किस में करना है, अल्कोहल इसमें भी कर लेना है, एस्टर वाले में भी, तो एस्टर में कर लो, तो एस्टर क्या होता है, ये तो था कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक या फिर क्या था, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब सेम आपको एस्टर का एडिशन करना है, कर लो एस्टर का, करेंगे एस्टर क्या होता है, आर डबल बॉन्ड ओ और ओ आर होता है, तो डैश लगा लेते ताकि दोनों आर में कंफ्यूजन ना हो, सेम वही कर लो, अपचयन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कोई पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सिग्मा बनेगा, बना लो, एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे, मतलब एक एच यहाँ आएगा और दूसरा वाला एच कहाँ आएगा, तो क्या बनेगा, आर आर ओ आर ओ है, सेम अगेन ये जो होगा वो क्या नहीं है आपके, स्टेबल कंपाउंड नहीं है, इसको करके और फिर करेंगे, इसमें आपके कितना डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, बनेगा 1 डिग्री, मतलब दो अलग अलग अल्कोहल बन जाएंगे, ठीक है। ये जो होगा ना ये आगे जा करके ब्रेक हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से, तो आगे इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा देंगे, H2O के साथ करवा दो, वाटर के साथ, वाटर क्या होता है, H+ और OH- होता है,
करवा दो इसकी, यहाँ से ब्रेक, जैसे इसको यहाँ से आप ब्रेक करोगे, ठीक हो, यहाँ से ब्रेक करो, यहाँ से ब्रेक करोगे ना तो क्या होगा, एक तरफ तो एंच आ जाएगा, दूसरी तरफ कौन आ जाएगा, तो एंच आ जाएगा, एंच लगा लो वहाँ पे, क्या लगा लो तो क्या बनेगा, आर एच, वहाँ पे कौन आएगा एच, इम अगेन ओ एच, और वाले पे कौन आ जाएगा आर डैश, राइट। अब सेम वो क्या हो गया, दो ये हो गए, तो आपके अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये यहाँ से वापस से हम किसका रिमूवल करेंगे, वाटर का रिमूवल करेंगे, एच यहाँ से निकाल दो, ओ एच जैसे ही निकालोगे तो कितना डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, 1 डिग्री, एक तो अल्कोहल ये बना और दूसरा वाला अल्कोहल हमने कहाँ बनाया, यहाँ, कंप्लीट रिएक्शन जो है वो ये है, तो एस्टर से बनाने की। ये कंप्लीट रिएक्शन ये है। अब इसी का जो शॉर्ट फॉर्म है डायरेक्ट आपके अल्कोहल यहाँ पे, एक यहाँ पे और वो आपके कार्बोक्स, नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले, व्हाट इज दिस, आर यू एच एस एंड बी एस सी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए बैच है, प्ले स्टोर से आप लोग प्रतीक्षा क्लासेस ऐप डाउनलोड करना, तो ये पोर्टल मिलेगा, यहाँ से इंस्टॉल करके जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको ये न्यू बैच मिलेगा जो आपके 8 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, आपके नोट्स, रेगुलर टेस्ट, ऑनलाइन लाइव क्लासेस फ्रॉम द क्लासरूम बैच, और सेपरेट इन सब के बैचेस में, जस्ट गो एंड डाउनलोड द ऐप प्रतीक्षा क्लासेस एंड जस्ट डू रजिस्ट्रेशन, दिस इज द इंफॉर्मेशन, और यू कैन कॉल दिस एंड अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आता है अल्कोहल बनाने का, वो आपको किससे बनाना है, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट मतलब आपको किससे बनाना है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से, और इसके बाद हमने हेलो एल्केन और उस चैप्टर में से ग्रिगनार्ड बोल दो, या फिर ग्रिगनार्ड को हिंदी में ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला ध्यान रखना, ये कभी कभी डायरेक्टली ग्रिगनार्ड या ग्रिगनार्ड जो रिएजेंट होता है इसका फॉर्मूला होता है आर एम जी, यहाँ पे आर तो आपका क्या होता है अल्काइल ग्रुप, एम जी इज द मैग्नीशियम, एंड वॉट इज एक्स, एक्स इज हेलोजन, और हेलोजन में हम क्या क्या लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और इस अल्काइल की जगह पे आप क्या ले लोगे, मिथाइल, मिथाइल प्रोपाइल वगैरह जो भी, और मैग्नीशियम आपका मैग्नीशियम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना, ये रिएक्शन करवा दो, सेम अगेन वही करेंगे, ग्रिगनार्ड की रिएक्शन करवा देंगे, पहले एल्डिहाइड से लेना है सेम, ये अब आपका कौन सा एल्डिहाइड है, मेथेनल, नॉर्मल एल्डिहाइड, बाद में की इनका एडिशन करो और ये बनाओ, ये सब बनेंगे, देखो कैसे, पहले हम इसके साथ बना, सबसे पहले हम किसके साथ बना रहे हैं, एच सी एच ओ साथ में, ठीक है, एच सी एच ओ को मैं क्या लिख सकती हूँ, एच डबल बॉन्ड ओ और एच लिख सकती हूँ ना, इसका नेम है मैथेनल बोलो, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मैथेनल, और इसका जो आपका वो रहता है कौन कॉमन नेम वो क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, अब इस पे ऐड क्या करना है आपको, ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऐड करना है, कर दो 10 RMG करना है, अच्छा इसमें ना ध्यान रखना आप लोग, अब ना ये सारा खेल जो है ना आयंस का है, आप इनको आयंस में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो वो, तो इनमें ना आर होता है माइनस, MgX होता है प्लस, तो एल्डिहाइड होगा इसमें कार्बन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर होता है नेगेटिव चार्ज, अब आपको ये सिंपल सा रूल पता होगा केमिस्ट्री, पॉजिटिव वाली स्पीशीज पर जाकर के कौन ऐड होगा, नेगेटिव स्पीशी, और नेगेटिव स्पीशी पर जाकर के कौन ऐड होगी, पॉजिटिव स्पीशी, राइट, तो ये बाकी सारी चीजें हम एज इट इज रख देते हैं, यू नो द रूल ना, व्हेनेवर वन पाई बॉन्ड विल बी ब्रेक
देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू सिग्मा बॉन्ड, मतलब एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो टू सिग्मा बॉन्ड आपके बनेंगे, बना दो एक बॉन्ड यहाँ पे एक यहाँ पे। अब ध्यान से ना इनका एडिशन करना, देखो एडिशन ध्यान से करना, देखो कार्बन आपका प्लस है तो इस पे माइनस वाली स्पीशी आएगी, एंड माइनस अपना कौन है आर, तो यहाँ पे आ गया आर, सेम ऐसे ये है तो इस पे कौन आ जाएगा एम। अब इसकी फर्दर हमें रिएक्शन किसके साथ करवानी है, वाटर के साथ, वाटर मतलब क्या एच प्लस और ओ एच माइनस करवा दूँ। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये जो ब्रेक, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा यहाँ, एक तरफ आ जाएगा एच प्लस और इस तरफ आ जाएगा ओ एच माइनस। जैसे ही ऐड करवाओगे तो देखो एच एज इट इज, इसके ऊपर R एज इट इज, ये एच एज इट इज, ये O भी एज इट इज, पास आकर के ऐड कौन हो जाएगा H प्लस, ये जो एम जी एक्स ओ एच है ये आपके बाई प्रोडक्ट है उत्पाद बना करके, ये तो क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। अब इसको ना थोड़ा सा इंक्लूड मतलब कंबाइन करके लिख लो, कंबाइन करके हम इसको क्या लिख सकते हैं R एच टू ओ एच, तब कितना डिग्री अल्कोहल बन गया 1 डिग्री। हाँ हिंदी में क्या हो जाएगा प्राथमिक अल्कोहल, और इंग्लिश में आपका क्या हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। ऐसे ही अब एल्डिहाइड के साथ भी करवाना है, करवा दो। देखो इजी है, बहुत इजी है, हमने जो मीथेल फिनल लिया ना, पहले हमने ये करवाया, इससे अभी हमने कितना डिग्री बनाया 1 डिग्री अल्कोहल। अब हम ये सेकंड वाली रिएक्शन करें जिसमें एल्डिहाइड के साथ करवानी है रिएक्शन, ठीक है करवा दो। तो आर सी एच को सेम आप क्या लिखोगे आर डबल बॉन्ड ओ और एच, अब तक तो समझ आ गया होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज इस पर नेगेटिव, प्लस वही ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन करवानी आर एम जी, आर माइनस एम जी एक्स क्या होता है प्लस होता है, रिएक्शन करवा दो। एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो कितने सिग्मा बनेंगे टू, वन विल बी हेयर एंड अनदर विल बी हेयर, तो C प्लस है, प्लस पे आगे कौन ऐड होगा माइनस, माइनस पे आगे कौन ऐड होगा प्लस। आगे रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे वाटर के साथ, वाटर मतलब H प्लस और OH माइनस, बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जैसे ही ब्रेक होगा इस तरफ तो आ जाएगा आपका H प्लस और इस तरफ कौन आ जाएगा OH माइनस, क्या बन जाएगा R अगेन R यहाँ पे H और यहाँ पे कौन आ जाएगा OH आ जाएगा, और एम जी एक्स OH जो है ये आपके सह उत्पाद बना करके बाय प्रोडक्ट बना के यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसको थोड़ा सा कंबाइन करके अच्छे से लिख लेना, कितना डिग्री अल्कोहल हो जाएगा ये अपना 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब इसमें रिएक्शन में देखो 2 डिग्री, वो कार्बन है वो यहाँ से जुड़ा है तो ये डिग्री अल्कोहल हो गया 2 डिग्री। अब लास्ट एक कीटोन के साथ करवा दो, सेम रिएक्शन करानी है कीटोन के साथ भी, ठीक है। एच सी एच ओ के साथ करवाया था तो कितना डिग्री बना था 1 डिग्री, खाली एल्डिहाइड के साथ करवाया तो कितना डिग्री बना अभी अपने पास में 2 डिग्री। अब ऐसे ही कीटोन के साथ करवा दो, उसमें 3 डिग्री बन जाएगा, कैसे बनेगा कीटोन क्या होता है, ठीक है ये आपका कौन है कीटोन है, रिएक्शन वही ग्रिगनार्ड के साथ करानी है, बताओ तो आर एम जी एक्स आयंस में क्या कर दो, इनको डिवाइड कर दो जल्दी से, इनके ऊपर आयंस लिख दो कौन कौन, ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस, कोई एक पाई बॉन्ड ब्रेक करो दो सिग्मा बनाओ, इतना काम करो पहले, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यहाँ पे कौन आ जाएगा एम जी एक्स यहाँ पे आर, ये रिएक्शन अब हो कैसे रही है एलैबोरेट कर दिए, जल्दी से काम खत्म। वाटर के साथ करा दो ओ एच प्लस, बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा यहाँ से, इस तरफ आपका आ जाएगा एच प्लस और इस तरफ कौन आ जाएगा ओ एच माइनस आ जाएगा, रिएक्शन करा दो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाएगा। अब ओ एच से जुड़ा हुआ कार्बन 3 से जुड़ा है, मतलब कितना डिग्री अल्कोहल है 3। इस तरीके से आपको ये रिएक्शन करानी है, क्या लग रहा है ना, देखो ये रहा 3 डिग्री अल्कोहल,
सारी चीजें मैंने आपको पूरा किस तरीके से प्रोडक्ट बनाया है वो भी आपको साथ साथ में मैं एलैबोरेट कर रही हूँ, ताकि आपको रटाफिकेशन की जरूरत नहीं पड़े। देखो कितना डिग्री बना, 1 डिग्री, जब आपने मिथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाई, जब आपने नॉर्मल एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करवाई तो कितना डिग्री बना, और जब आपने फाइनली लास्ट वाली करवाई है तो इसमें कितना डिग्री बना, 3। तो रटना तो कुछ नहीं है, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की गई है, समझ के करो तो केमिस्ट्री इजी रहेगी। तो एल्कोहल बनाने की अपने पास में इतनी ही मेथड थे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मेथड आता है वो क्या है आपके, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब किससे किसको बनाना है, फिनॉल को बनाना है। फिनॉल बनाने की भी इसमें फर्स्ट है फ्रॉम हेलोएरिन, किससे बनाना है, हेलोएरिन से। हेलोएरिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर हेलोजन, या हेलोजन में सीएल ले रही हूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। और इंग्लिश दोनों में सेम रहेगा, क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम हाइड्रोक्साइड करा दो, इसमें क्या बन जाएगा, जब इसके साथ में कराओगे तो ये Na और ये Cl, NaCl होकर के, या फिर ऐसे निकालो, NaCl मत निकालो, यहाँ से ये निकालो, HCl निकालो, यहाँ से Cl और ये H, ये HCl करके बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ONa यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो ONa बेंजीन पे बना है इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड, क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड, जाएगा आपका फिनॉक्साइड। आगे जब HCl के साथ में अब रिएक्शन कराओगे तो अब आपका Na और ये वाला Cl चल जाएगा और यहाँ जाके यहाँ जुट जाएगा और आपके किसका निर्माण हो जाएगा, फिनॉल का। अपना टारगेट क्या था, फिनॉल को बनाना ही था, ये बन गया, मतलब ये रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, इजी रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ये कर लेते हैं, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपको जो फिनॉल बनाना है वो किससे बनाना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड कब बनता है, जब आप बेंजीन की अभिक्रिया रिएक्शन किसके साथ कराते हो, ओलियम के साथ। ओलियम एक क्या होता है, कंपाउंड होता है, इसकी प्रेजेंस में आप क्या कराते हो, इसकी रिएक्शन करवाते हो, करवा दो। अब आगे वही NaOH मतलब बेस, H प्लस मतलब क्या है, एसिड, अम्ल और क्षार दोनों की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करवाते हैं, आपका एसिड हो गया और ये बेस हो गया, क्षार हो गया, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड करवाओगे तो आपकी क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल बन जाएगा, कैसे बनेगा, देखो ये जो है OH जाकर के तो ऐड हो जाएगा यहाँ पे, फिर बाकी जो बचा वो सारा रिमूव हो जाएगा, NaSO3H वगैरह वगैरह, वो सारा सह उत्पाद बना करके। अब आपको ना यहाँ पे सह उत्पाद जो है वो कोई नहीं पूछता है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपको यहाँ पे फॉर्मेशन किसका करना है, फिनॉल का करना है। और जो लास्ट रिएक्शन रह गई है अब, वो आपका आ जाएगा फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, या हिंदी में क्या हो जाएगा, डाइएजोनियम लवण से। अब ये जो होता है ना, इसको बोला जाता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट और डाइएजोनियम लवण, जब बेंजीन पे आपके N2 प्लस और Cl माइनस ऐड होता है। अब ये बेंजीन डाई बनता कैसा है, जब आप एनिलीन की रिएक्शन कराते हो, रिएक्शन करानी है एनिलीन, बेंजीन पे NH2 जो होता है इसको क्या बोला जाता है, एनिलीन। इसकी रिएक्शन आपको NaNO2, इसका नाम है सोडियम नाइट्राइड, इसका नाम है सोडियम नाइट्राइड, विश्व हो जाएगा सोडियम नाइट्राइड। इसकी प्रेजेंस में प्लस HCl, HCl तो सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, इसको लिखने की, इसकी प्रेजेंस में जब आप प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये सॉल्ट बनेगा। इसकी फर्दर आपको रिएक्शन किसके साथ करानी है, H2O वाटर के साथ, वार्म H2O का मतलब क्या है, गर्म पानी के साथ ये रिएक्शन करानी है, आपका क्या बन जाएगा, ये H2O को क्या लिख सकते हो, H+, OH-, यहाँ से ये सारा, एक तो नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा, एक ये HCl
रिमूव हो जाएगा और जो OH बचा था वो जाकर के ऐड यहाँ कौन बन जाएगा, और ये सारे रिमूव, नाइट्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक। तो ये जो थी आपकी, ये क्या थी, फिनॉल बनाने की विधि थी। तो आज के लिए बस इतना ही, अब कल हम क्या शुरू करेंगे, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज रह गई है अल्कोहल फिनॉल की, और उसके बाद में इसकी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस रह गई है अल्कोहल और फिनॉल की। तो वहाँ पे फिर आपका अल्कोहल फिनॉल टॉपिक खत्म होगा, ठीक है। अभी ईथर पूरा बाकी है, ईथर में भी सेम हमें करना है, नॉर्मन क्लचर करना है, उसका प्रिपरेशन करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी। जब इतना काम हो जाएगा तो आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज बस इतना ही करेंगे, बाकी जो है वो हम कल करेंगे।